हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम इतने दिन बाद आए हैं और ये हमारा इतने दिन बाद व्लॉग बन रहा है। और ये लोकेशन और इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, आज मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और हम लोग क्यों आए हैं आज, ये आपको बताओ, तुम बताओ क्यों आए अपन लोग। हम आए दादा की शादी। तेज बोलो भाई। दादा की शादी, हमारे दादा की शादी है। और तो वी आर एट शॉन एलिस जबलपुर, सर्च कर लेना बस एक बार। और उससे पहले आप देखो ये स्विमिंग पूल कितना प्यारा है यार। बहुत सही लोकेशन पे अभी प्रोग्राम होने वाला है, सारी चीजें आप सब लोगों को दिखाऊंगा। क्यों इधर आओ यार, तुम लोग बताओ यार सब लोगों, बताओ अपन ने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, पहले बताओ तुमने आज नाश्ते में क्या खाया। अरे ऐसे क्या है? अरे तो ऐसे ही है ना, पीछे चल, पीछे पूल में मत गिर जाना, बस चल बे हट। वी हैड फ्रूट्स, सैंडविच, इडली सांभर और सांभर वड़ा, और वो क्या था एक, और हलवा, एक वो थोड़ा सा मैंगो वाला फ्लेवर था हलवा का, वो कुछ था, नाम नहीं पता उसका। कुछ भी। तो हमने ब्रेकफास्ट ये सब किया, अब हमारा लंच होगा करीब 3 बजे, अभी बज रहे थे 1, क्योंकि हम लोग आए ही इतनी लेट। 11 बजे तो हम लोग एंटर किए हैं होटल में। खींचिए फोटो। अरे यार, हाँ बताओ, पहले बताओ, ये है अनुभव, ये लगता है मेरा छोटा भाई, ये कहाँ रहता है? हाँ ये गुना में रहता है, मामा जी का लड़का है, ये छोटा भाई है। तो अपन ने क्या क्या खाया सुबह, तुमने क्या क्या खाया ये बताओ। मैंने हाँ क्या खाया बताओ, क्या क्या खाया तुमने? सबने एक बराबर ही खाया है, पर इसकी हंसी देखना तुम। देखो सबने एक बराबर ही खाया। खाया क्या क्या ये बताओ ना, तेज बोलो। मुझे याद नहीं है क्या क्या खाया। सब कुछ खा लिया क्या? पता नहीं है मैंने क्या क्या खाया, मुझे सच में याद नहीं है। अरे मैं बताती हूँ क्या क्या खाया। तेज बोलना बस। फ्रूट्स खाए थे, फ्रूट्स खाए, सैंडविच, कॉफी, सांभर वड़ा, इडली वड़ा, हलवा, सांभर वड़ा, इडली वड़ा, और क्या? मैं कांच की ग्लास में कॉफी ले रहा था। हाँ बस बस इतना ही खाया। और हाँ इतना ही खाया अपन ने, बस बस। हाँ बटर, हाँ बटर, बटर की 2 पैकेट ये खा गई। शकल दिखाने से मना कर रही है बस, ये नहीं तो बेइज्जती करवाता मैं इसकी। अबे पानी के दिखा रही है। तो मैं फील लेने लगा था, पानी तो दिखा रही है। कौन सा शेप है मेरे को बताना। हाँ भाई, हम लोगों को रूम मिले हैं थोड़े नॉर्मल, लेकिन जो हमारा दादा है दूल्हा, उसको यहाँ ऊपर एक रूम मिला, दिखाते हैं। हाँ सच में मंदी, वो वाला ऊपर वाला रूम दादा का है, और उधर से इतना मस्त व्यू आ रहा है। हम सोच रहे थे शिफ्ट कर जाएंगे उस रूम में, लेकिन अब दिखाऊंगा उधर से, शिफ्ट तो नहीं किया लेकिन उधर से पूरी लोकेशन दिखाऊंगा। ये पूरा गार्डन और ये इतना मस्त स्विमिंग पूल, और वो पूरा प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो सब कुछ ऊपर से दिखाऊंगा अभी मैं। क्या बोला? किसको? वो फोन में बात कर रही है, उसकी बात हो रही है, उसको सीधे पूल में खिला देना चाहिए। हाँ मैंस टॉयलेट है भाई, देख कर आते हैं कि शॉन एलिजे का टॉयलेट कैसा है भाई। ठीक ही है यार रूम का बहुत सही है यार, रूम का इतना सही टॉयलेट है ना, रूम का आपको दिखाएंगे, इतना सही है ना, मजा ही आ जाएगा। पेट निकल आया यार मेरा। यार अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है इधर, अब हम लोग अंदर जाते हैं। हम लोगों ने जहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था, अब जो भी हॉल बोलेंगे, डाइनिंग हॉल बोलेंगे, देख लेना अपने हिसाब से जो भी बोलना है, बहुत सही है सब कुछ।
खाने में तो मज़ा ही आ गया, मतलब नाश्ते में मज़ा आ गया है, खाने का देखते क्या होने वाला है अब किसका। यार बहुत सही है डेकोरेशन, इतना सही है ना, मैं पहली बार इतना सही डेकोरेशन देखा है। ओए कबाड़ी यार डेकोरेशन बहुत सही है, मैंने नहीं देखा आज से पहले इतना अच्छा डेकोरेशन, टीवी में देखा था। क्यों? हाँ यार वो जो वो थी ना डेस्टिनेशन वेडिंग, हाँ हम लोग गिर ना जाओ वो देखूंगा। चलो भाई, ए अंबिका चले अब इन सब लोगों को है ना पूरा होटल का टूर दे के आते हैं। तेज तेज बोलना बस, तुम लोग धीमे बोलोगे ना शर्माने के चक्कर में ब्लॉग सुनाई नहीं देगा उन लोगों को, कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी। चल बे बोलने को बराती है, बराती है। यार वो जहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह हो रहा था वहाँ का हमने थोड़ा सा दिखाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मिंग अलाउ नहीं है। वैसे मना तो कोई नहीं करेगा लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, और बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे इस चक्कर में। 1 2 3 कट। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। अपन किधर चलना है पहले बताओ। फर्स्ट फ्लोर। हाँ बच गई। नहीं नहीं थर्ड फ्लोर पर जाना, थर्ड फर्स्ट फ्लोर। अरे ठीक है ना, सारा थोड़ी दिखाना है। क्यों? हाँ सेम है यार, अपन लोग अपने पे चलते हैं इधर अपने रूम से। रूम नहीं है तो क्या है? बैंकेट हॉल है, हॉल है नहीं बैंकेट हॉल है। निकले हम और दीदी, उसके बाद दबाव बस आ गया हमने कि इस पे कुछ नहीं, नीचे चलना है, नीचे ये सब कुछ हुआ है। हां मैं भी जीरो दबाया था क्योंकि मुझे लग रहा फर्स्ट पे कुछ हो रहा है। भाई ये कौन सा फ्लोर है? थर्ड सामने लिखा है ना। अरे हाँ भाई थर्ड फ्लोर है, कितना सेक्सी तरीके से लिखा है यार। अरे भाई ये देखो पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखा है, तुम लोग पढ़ के देख लेना। यार बहुत सही है यार, रास्ता देखो तुम। यूनो यानी कि इसमें दो बेड्स हैं। क्यों खोल सकते हैं क्या? भाई पता नहीं इधर हमारा प्रोग्राम होएगा कि नहीं होएगा, देखा जाएगा जो भी हो। बस हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये क्या प्यारा डेकोरेशन। हाँ यार कितना सही है यार, ये सच में बहुत प्यारा डेकोरेशन है यार। फोटो खिंचवा ले इधर एक। भाई ये आता अंबिका, कोई आ गया है, आ गया कोई, सही में आ गया, पता नहीं कौन है। कैसे अपना झोला पकड़ के भागी है भाई। ये लोग फोटो वोटो के जा रहे थे, कोई आ गया तो इस चक्कर में इनको भगा दिया। ये डुओ का क्या मतलब है? शायद दो सर्कल बनी है, दो सर्कल। अरे भाई दो डाइनिंग टेबल चल रही है बस खत्म, मुझे नहीं पता किसका क्या मतलब है, का गलत मतलब हो सकता है, बस हम तो दिखा रहे हैं, तुम बस देखो क्योंकि हम भी पहली बार आए हो, शायद तुम भी पहली बार देख रहे हो। देखो यार सच में बहुत बहुत प्यारा है यार। क्या मैंने देखा ही नहीं? ए, ए, एक्शन डोरवेल बजा के भाग गया पता नहीं बच गई गलती से। अरे जल्दी सब लोग इधर आके बताओ, इधर आके यार ये फ्लक्चुएट क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे इसका क्या रीजन है? नहीं मैं बता रहा हूँ, ये 60 FPS करने पे है। यस पता पड़ गया, 60 FPS पे बनाऊंगा तो ऐसे ब्लिंक करेगी, और 30 FPS पे बनाऊंगा तो ऐसे ब्लिंक नहीं करेगी। ये आपके लिए भी है टिप्स, अगर कोई बनाना चाहे कोई वीडियो वगैरह तो। हमारे पीछे शोर आ रहा होगा वो आप इग्नोर करना, ठीक है? भयंकर वाला शोर हो रहा है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं अच्छा वाला व्यू जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। देखो क्या मस्त व्यू है यार, देखो हम लोग यहाँ नीचे कहीं बैठे थे इधर इधर चेयर्स पे। ओ अपन ने पागल बना दिया, दादा का रूम अपन ने उधर बताया था लेकिन रूम इस साइड है। ये देखो कितना मस्त व्यू है, गार्डन इधर, स्विमिंग पूल। मैं भूल गया था, मैं भी इसी में से रह गया हूं अभी। तुम भी भूल गए इसी रूम में से गए अभी। हां सेवा सेवा चल रही है बुआ जी की। ये हमारे पिताजी, बुआ जी हमारी दादी हैं। बुआ दादी
ये माँ वीडियो चालू हो गई तो माँ पैर दबाने लगी। हाँ सुरभि, सुरभि दीदी को दिखाएंगे, उनको भेज देंगे वीडियो। हाँ थक चुके हैं, देखो वो गैलरी है रूम वाली, वहाँ से आए सीधे ये रहा रूफटॉप, इधर हो रही है सजावट, अब इधर क्या होने वाला है, सगाई होने वाली, संगीत होने वाला है, कुछ नहीं पता। ओए 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 कवाड़ेन सकल में ना कवाड़ेन ए कवाड़ेन सकल में ना। ठीक है भाई यार, सब कुछ अच्छा है यार इधर का, सच बता रहा हूँ। ग्वालियर में नहीं देखा था ऐसा कुछ भी यार, ग्वालियर में रंग महल में इतना अच्छा नहीं होता जितना इधर अच्छा हो रहा है। क्यों बेइज्जती कर रही है यार, बाल इतने बड़े हैं, वैक्स लगाने के बाद कुछ नहीं होता, वैक्स वैक्स सब पैसा बर्बाद। जी सस्ती वाली थी, 80 रुपए की ली थी वाली 80 शायद इसीलिए। अब अच्छी थी वो, लेकिन वो छोटा वाला पैक लेके आया था मैं, क्योंकि मुझे केवल इस फंक्शन में काम करना है। क्या है कि मैं बाल ग्रो कर रहा हूँ ना, दिखाऊंगा 7-8 महीने बाद सेक्सी बाल करके, कतई लड़की बन के कतई लड़की बन के ए ए पागल इधर आना यार तुम दोनों, एक चीज़ बतानी इन सब लोगों, इन सब लोगों को कुछ नहीं पता कि अपन लोग कौन क्या है क्या नहीं है। दोनों कुर्सियाँ सरका के लेके आओ जरा, अरे जल्दी आओ यार। अपन लोग जिनको बोलते हैं कि भाई हमारा व्लॉग देख लो, व्लॉग देख लो, उनको पता है, जो लोग अननोन लोग देखते हैं उनको कुछ नहीं पता। किसकी बात कर रहे पता है, टेबल वाले कपड़े की खवाड़ी लोग साले बेकारी। ठीक है यार, यार देखो मेरे को किसी ने एक बार कहा था, किसी महान शख्स ने कहा था कि जो तुम बताते हो ना कि वेटू हम का यार कुछ भी करते रहते हो पहले भी सेम लाइन मार, अरे हाँ ठीक है मैंने सेम लाइन मार दी, मारने दे यार पागल है क्या। तो ये सब बोलते रहते हो, सबको बताओ तो एटलीस्ट कौन क्या है क्या नहीं है। देखो ये भूतनी रेड कलर की ड्रेस पहनी है, ये है, ये भी ये मेरी बहन है, ठीक है, कितना कष्ट हो रहा है इसको बताने में। अरे भाई ये भाई तो कष्ट नहीं हो रहा है, ये है सिस्टर सिस्टर फ्रॉम सेम मदर, ये फुल ब्लड है। हाँ भाई फुल ब्लड, अरे इन लोगों को समझ नहीं आएगा, फुल ब्लड के लिए, फुल ब्लड के मीनिंग के लिए क्या करना पड़ता था, गूगल ही कर लो और क्या कर लो। अरे यार पागल हो गया यार, ये फुल ब्लड, ये सगी बहन है, ये है ताई जी की लड़की, अरे इसका नाम है अंबिका, ठीक है, अरे यार अंबिका, और ये है ताई जी की लड़की। तो हम सब लोग क्या है ज्वाइंट फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं तो ऐसी चलता रहता है, इसका भी नाम बता शांत रहो। और ये इसके बारे में क्या नाम, क्या अनुभव इसका मैंने बता दिया तुम लोगों को, इसका सबसे सीरियस नाम है हम लोगों के बीच में। देखो सबसे पहले इसका सबसे बेटर है, हाँ इधर पास में आओ सब लोग, पास में आओ जल्दी, आओ ना अंबिका थोड़ा सा फ्रेम में आओ सब लोग। देखो अनुभव की कहानी बताते हैं, ये एक बार बचपन में है ना, कितने कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल पहले ही आया था, 8 साल का था, हाँ चलो ये 7-8 साल का था, ये गुनाह से, अरे पास में आओ यार तुम लोग, करता था पास में आओ, जब ये 7-8 साल का हुआ करता था तो है ना, ये एक बार गुनाह से आया था ग्वालियर शॉपिंग के लिए, कुछ काम था तो शॉपिंग भी करी थी इसने, अम्बाला जा रहा था, हाँ अम्बाला जा रहा था, हम सब लोग जा रहे थे, तो तब इसको आते थे स्मॉल कपड़े, तो भाई साहब को ये जब भी कोई भी कपड़ा पहन रहा था इसकी खोपड़ी में एक भी कपड़ा नहीं घुस रहा था, मतलब इसकी बॉडी साइज है स्मॉल और उसकी खोपड़ी साइज थी टी शर्ट शर्ट की सभी मीडियम आ रही थी, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उसके लिए टी शर्ट मिलना, पर मिल गई थी, ऐसा लग रहा है लोग कहीं सेंसलेस बात थी। हाँ लेकिन ये बहुत हंसी की थी, आज तक हंस रहे हम लोग सोच सोच, बट अभी नहीं आ पा रही है ऐसी ना, हाँ वो 4 बार सुना दी ना तो इसलिए। यार हम लोग क्या है, तुम लोग कुछ दिखाओ यार सब लोगों को, कुछ दिखाओ, हाँ मतलब के कुछ तो करो यार, अरे दबा ना यार भाई, सैनिटाइजर दो ना, सैनिटाइजर करो ना, लियो करो ना, अरे भाई बटन तो दबाओ कोई, अबे है तो एक पे जाना नहीं जीरो पे जाना है। ओ देखो भिखारियों को, देखो भिखारियों को, देखो एक बार भर ले मुंह में, काम कर।
भाई यार किसी की ब्लैक एंडेवर करी है, किसी की ब्लैक एंडेवर लेकिन किसी की फेवरेट। बाय बाय यार। आप लोगों को अब हम दिखाएंगे कि एंट्रेंस गेट कैसा है। आपने कहाँ देखा होगा हमने स्टार्टिंग भी अंदर दी थी। हाँ मतलब अब हम दिखाएंगे यहीं से नर्मदा और निकलनी चाहिए थी। अभी नर्मदा 2 किलोमीटर दूर से ही है बस। 2 किलोमीटर दूर नहीं, मैं कह रहा यहाँ से निकलती ना। अरे मतलब ये ताजमहल लगता बिल्कुल बिल्कुल रेक क्या गया। अरे यार तो बहुत ज्यादा धूप है, अब इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अब जो भी है आपके सामने है ठीक है, अब हम दिखाते हैं ढंग से। और मेरे बाल इतने ज्यादा गंदे हो चुके हैं कि अब आप ज्यादा ध्यान होते ना बालों पे। यार अब ऐसे ही दिखा पाऊंगा मैं, कोई शूटिंग नहीं कर रहा ढंग से। बहुत ज्यादा गंदी धूप है लेकिन बहुत सही कैंपस है यार। काश ड्रोन होता, मैं कहने वाला था कि काश हेलीकॉप्टर होता ऊपर से शूट करता। यार बहुत सही है। क्यों बेटी इधर आना, तुमने क्या बोला था कि होटल के ऊपर मस्टैंग खड़ी रहेगी, इधर एंडेवर खड़ी है। और भी पता है यूट्यूब पे देख के कहती है ना रेड कलर की मस्टैंग खड़ी है, और मैं इतना खुश क्योंकि मस्टैंग मेरी फेवरेट है। मैं यार चलो अब सब लोगों को बुला के लेके आते हैं, लंच होने वाला है। और फिर अब हम आपको दिखाएंगे कि लंच में क्या है क्या है। एक बार अरे यार तुम लोग कितना शोर कर रहे हैं यार, बिल्कुल ही पागल वागल हो गया यार। एक बार और बेल बजा के कोई बोले नहीं, एक बार बेल बजा के और बोलेंगे। भैया पहले एक कमरे का ना गेट खोल देंगे फिर भागेंगे। चलो अब सब लोग है ना लंच करने चल रहे हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे कि लंच में क्या क्या बना है क्या क्या। ब्रेकफास्ट को दिखा नहीं पाए थे, तब तक हम फ्रेश नहीं हुए थे ना। ब्रेकफास्ट खाने के बाद एनर्जी आई थी, उसके बाद हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। ब्रेकफास्ट से पहले अबे पागल यार हद कर रहे हो यार। मूड फ्रेश नहीं हुआ था। हाँ मूड फ्रेश नहीं हुआ था। बेल बजा के भागेंगे, बताओ भाई के भागे क्या, बताओ 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 किसका है। अरे रुक जाओ, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, दे रहा हूँ। चलो इधर आना, जरा इधर चलना तुम। भागो 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 भागो। यार कैसा लगा, तुम लोग थक गए क्या? परेशान करके किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगा वो अपनी परछाई। यार लेकिन थक गए ना, पूरी बन गया यार, थक गए यार। चलो खाना खाने चलते। अबे यार खाना खाने की इतनी बड़ी है, पहले भी उतर गए। अबे जीरो पे जा रहे हैं ना। बंद किया गेट। यार तुम लोग यार ऐसे भिखारी हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो बताओ। मुझे लगा क्या होगा। एक उसको चलो यार, चलो यार मेरा मेरा पसीना देखना यार कितना ज्यादा हो रहा है। मैंने बोला था कि खाना दिखाऊंगा, खाने में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। ये देखो मैंने स्टार्ट कर दिया है, चाउमीन है, अमेरिकन चॉपसी है, दही लिया है, चीज़ केक लिया है जो मुझे खाने का बहुत मन था, बहुत सुन रखा था। ये पता नहीं क्या है, ये है शाही, इसे क्या बोलेंगे, हाँ शाही टुकड़ा। और ये थोड़ा सैलेड पापड़ वगैरह क्या है, वेजिटेबल। ओ भाई खतरनाक, मैं भी पीऊँगा बाद में। आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस होटल के रूम में, जो कि 5-स्टार होटल है, देखते हैं ठीक है। बूम।